अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। देखो घबराओ मत, कोई भी नहीं है पर तुम आराम से उतर जाओ और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी जान बचा ली, वरना वो लोग तो मुझे मार ही डालते। ये तुम बार बार किन लोगों की बात कर रहे हो? मुझे तो अभी तक कोई दिखा नहीं। मैं भी नहीं जानता उन लोगों को, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे जान से मारना चाहते थे। खैर अब तो तुम घर पहुंच गए हो ना? हाँ, अब मुझे कोई खतरा नहीं। तो जाओ। अरे भाई मुझे भी घर जाना है। जी जी जी। एक पेंटिंग तुम रख लो। पेंटिंग? अरे भाई मैं क्या करूंगा इस पेंटिंग का, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तुमने मेरी जान बचाई है और मेरे पास इसके सिवा तुम्हें देने के लिए और कुछ है भी नहीं। एक दोस्त की तरफ से तोहफा समझ के रख लो। अजीब आदमी, पूरे रास्ते खुद भी घबराया रहा और मुझे भी डरा के रखा। हेलो, अब आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दो, पेंटिंग को मैंने ठीक जगह पहुंचा दिया है। नाइस। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ अभिनव, मेरी बात ध्यान से सुन। कौन बोल रहा है? भूल जा मैं कौन बोल रहा हूँ, तू मेरी बात सुन। तेरे पास एक पेंटिंग है जो तुझे जितेन ने दी है। भाई साहब तुम बोल कौन रही हो तो बताओ, और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पेंटिंग है? मुझे सब मालूम है, तुझे सिर्फ इस पेंटिंग का सीक्रेट पता करना है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो, समझा? देखिए, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, वो दोस्त का फोन था, मजाक कर रहा था। शंभू रुक,
मैं देखता हूं कौन है। ये तो उसी लड़की की फोटो है जो इस पेंटिंग में है। फाइंडर? मैं क्यों ढूंढू उसे? मुझे क्या जरूरत? नहीं, मैं नहीं ढूंढूंगा। सबको कौन है ये लोग जो गोली चला रहे हैं? मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस पेंटिंग की वजह से हो रहा है। हेलो, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, इसलिए जो काम दिया है उसे चुपचाप कर। मगर मैं उस लड़के को ढूंढूंगा कैसे? तेरे हाथ में फोटो है, गौर से देख। ग्रोसरी स्टोर, मेमोसा टावर। ये स्टोर तो वही लग रहा है। और स्टाफ ने कपड़े भी वैसे ही पहने, फिर तो वो लड़की यही गई होनी चाहिए। कैसी बात करें भाई साहब, वो मैं तो एक स्टाफ को ढूंढ रहा था। यहाँ बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, शिफ्ट 4 बजे के बाद खत्म होगी, जिससे मिलना 4 बजे के बाद आना। अभी जाओ। वॉचमैन कह रहा था कि सुबह की शूट वाले 4 बजे तक छूट जाते हैं, तो 4 बजे तक आएगी जरूर, और 4 तो बजने वाले। मैं उसका यही वेट करता हूँ। ये तो वही है। क्या बदतमीजी है? ये फोटो तुम्हारा है ना? हाँ, ये फोटो तो मेरा ही है।
लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई? मेरे पास कहाँ से आया तुम ये मत पूछो। तुम ये बताओ कि ये पेंटिंग क्या चक्कर है? पेंटिंग? किस पेंटिंग की बात कर रहे हो तुम? वही पेंटिंग जो मेरे घर पे है, उसमें भी तुम्हारा ही चेहरा बना हुआ है। तुम्हारे घर पे? तो तुम्हें पता होगा। देखो ज्यादा बनो मत तुम। साफ साफ बताओ कि उस पेंटिंग का क्या चक्कर है। आज सुबह तुम्हारी पेंटिंग की वजह से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। देखो तुम मुझे बेकार में परेशान कर रहे हो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो। मैं अभी शोर मचाऊंगी। शोर मचाओगी तो मचाओ शोर, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम भी बचोगी नहीं। और ये जितेंद्र कौन है? एक तो ना जाने तुम कहां से मेरी फोटो उठा के ले आए हो, और ऊपर से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। मैं नहीं जानती वो पेंटिंग तुम्हारे घर पे कैसे आई, और ये जितेंद्र कौन है? मैंने कुछ नहीं जानती। तुम्हें सब पता है, तुम सिर्फ बन रही हो। कोई है? कोई प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्यों मैडम आप चिल्ला क्यों रही है? देखिए ना ये लड़का मुझे तंग कर रहा है, पता नहीं कौन है ये। ये झूठ बोल रही है। नहीं भाई साहब मेरी बात तो सुनिए आप लोग। अरे आप समझ नहीं रहे। अरे मेरी बात सुनिए। तुम्हारी बाकी की शॉपिंग बाद में करना, बहुत शॉपिंग कर लिया, लेट हो रहा है। अरे ऐसा मत करो सर, मेरी वाइफ जान खा जाएगी, घर में घुसने नहीं देगी। मेरी एसीपी साहब ने 5 बजे बुलाया, कहीं देर ना हो जाए। मैं तुमने आज तक कभी चुप? अरे नहीं सर, एक मिनट। अरे सर ये हंगामा कैसा? आप क्या कर रही है? क्यों मार रहे हो सर? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। आपको मालूम है इसने क्या किया? ये आदमी इस लड़की को छेड़ रहा था। सर मैंने एक भी गलत शब्द नहीं बोला इस लड़की के लिए, और इसने झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे। सर पता है कितना पीटा लोगों ने। तो और क्या होगा? किसी लड़की को बीच रास्ते में रोक कर उसे फोटो दिखाकर इस तरह की बातें करोगे तो और क्या होगा? सर मैंने कोई गलत बात नहीं की। सर मैं तो ये जानना चाहता था कि उस पेंटिंग का राज क्या है, कौन है वो लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए, और क्यों? तुमने बताया कि कोई जबरदस्ती तुम्हें ये पेंटिंग देखे गया, जितेंद्र नाम है उसका, है ना? हाँ सर। और सर जब से ये पेंटिंग मेरे पास आई है ना सर, मेरा जीना हराम हो गया है। देखो घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर आज सुबह तो किसी ने गोली चलाई मुझ पे। क्या गोली भी चलाई? किसने? सर पता नहीं, ये मामला तो बहुत सीरियस होता जा रहा है। हाँ वंशिता, जानती हो जितेंद्र को? नहीं सर, मैं किसी जितेंद्र को नहीं जानती, और मैं ना ही कभी उससे मिली हूँ। तो फिर तुम्हारी पेंटिंग उसके पास कैसे आई? सर मुझे नहीं पता, मैं खुद हैरान हूँ। अच्छा ये फोटोग्राफ तो तुम्हारी है ना? हाँ ये फोटोग्राफ तो मेरी ग्रोसरी स्टोर में खींची गई है सर, लेकिन ये कब और किसने खींची है मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है हम पता लगा लेंगे। ये चेहरा तो मेरा ही है। और बिना तुम्हें देखे जितेंद्र ने ये पेंटिंग तो बनाई नहीं होगी। सर लेकिन मैं जितेंद्र से आज तक कभी मिली ही नहीं हूँ, और मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, और ना ही कभी ऐसी फोटो खिंचवाई। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता उसने ये पेंटिंग कैसे बनाई है। देखिए कोई भी पेंटर चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, बिना लड़की को देखे उसका चेहरा एकदम वैसा का वैसा ही कैसे बना सकता है? कहीं ना कहीं तो मिली होगी तुम उससे। जी नहीं सर, मुझसे कभी कहीं पर नहीं मिली हूँ। सर ये पेंटिंग इस लड़की की बनाई किसी और ने। सर मैं तो बिना बात में फंस गया। सर मेरा इस पेंटिंग से क्या लेना देना? और सर लोग मुझे धमकी दे रहे इस पेंटिंग को लेके। लेकिन उसने ये पेंटिंग तुम्हें क्यों दी? सर मेरी यही गलती है कि मैं उस सिग्नल पे खड़ा था, और मैंने उस आदमी को अपनी कार में बैठने दिया। सर इससे पहले तो मैंने जितेंद्र को देखा तक नहीं था, और सर ना ही मैं इस लड़की को जानता था। साहब हम लोगों को बचा लीजिए साहब, वो लोग मार डालेंगे। सुबह भी साहब पे गोली चलाई थी। नहीं घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। अभी ना एक बात बताओ, जो कुछ भी हो रहा है वो इस पेंटिंग की वजह से हो रहा है ना? हाँ सर। ठीक है हम लोग
ये पेंटिंग ले जाते हैं। विवेक पेंटिंग ले चलो, देखें तो सही इसमें है क्या। सचिन जरा पता करो कि अभिनव को किस नंबर से फोन आया था। ये फोटो आपके ग्रोसरी स्टोर में खींचा गया है ना? जी हाँ सर, लेकिन लगता है फोटो किसी ने चुपके खींची है, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा किसी पे शक है? हाँ सर, मेरे मॉल में अलग अलग कंपनी वाले अपना माल लेके रोज आते रहते हैं, और कुछ ही दिन पहले कोई चाय वाले कंपनी वाले आए थे, शायद उनमें से किसी ने चुपके खींची हो। तो आपके पास रिकॉर्ड है ना, कौन कौन आता है, कितने लोग आते हैं? हाँ सर, रिकॉर्ड तो है सर। हाँ सचिन जी, ये देखिए गोली, लगता है गोली इस तरह से चली है सर। देखा सच, जिस तरीके से गोली का निशान है उससे लगता है कि गोली चलाने वाला यहीं छुप के खड़ा था। तो सर वो अभिनव को गोली मारना नहीं चाहता था, वरना गोली दोबारा चलाता सर। ये बात तो है, मगर यहाँ पे खड़ा था तो किसी ने तो उसे देखा होगा। ये दुकान वाला बाजू में है, शायद इसने कुछ देखा, इसी से पूछते हैं। भाई साहब ये दुकान कितने बजे खोलते हो आप? सुबह 6:30। ये रोज सुबह 6:30 खोलते हो या कभी कभी आगे पीछे भी होते हैं? सर हमारा तो काम ही ऐसा है, रोज उसी टाइम पे लगानी पड़ती है। हमने सुना है कि ये जो तुम्हारे बाजू में मकान है यहाँ पे किसी ने गोली चलाई है। पता नहीं साहब, आप लोग? हम लोग CID से हैं। ये बताओ आसपास आज किसी को घूमते हुए देखा यहाँ पे? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। देखो ये 7 बजे की बात, पर घर तो तुम्हारे बाजू में ही, तो तुमने कुछ देखा कैसे? नहीं कुछ तो याद होगा तुम्हें। सर सुबह एक कार तो खड़ी थी वहां पे। यहाँ पे कार खड़ी थी? कैसे कैसे कार थी? सफेद रंग की थी वो कार। नंबर याद है? नहीं साहब, नंबर तो नहीं देखा मैंने। अच्छा जो आदमी उसमें बैठा था वो कैसा था, उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, मैं तो काम में बिजी था। और कुछ याद नहीं है उसके बारे में? साहब मैंने उस आदमी का हाथ देखा है। कमाल की बात, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन हाथ देखा। सर क्या है ना, उसने मुझसे पेपर खरीदा और पैसे देते वक्त मैंने उसका हाथ देख लिया, उसके दाहिने हाथ में सर 6 उंगली थी। 6 उंगलियां? सचिन अगर इसी ने गोली चलाई है तो कम से कम ये तो पता चल गया कि उस आदमी के हाथ में 6 उंगलियां है। जितेन, जितेन सारा सामान बिखरा पड़ा है। हाँ यहाँ पे सो रहा है सर। जितेन, जितेन पेंटिंग में से मारा गया। ये कमरे में रंग गिरा पड़ा है। रेडी, काम करो। पूरे कमरे में रंग गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं रंग लगा होगा। खूनी के हाथों पर उसकी उंगलियों के निशान मिलते क्या? देखो। यस सर। क्या कहा था तुम? यहां पर कोई भी नहीं आया था मिलने के लिए, तो फिर ये क्या है, यह कैसे हुआ? सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को सुबह से आते हुए नहीं देखा। सर क्या मिलेगी? सर आपको उंगलियों के निशान जैसे कुछ दिख रहा है। बड़े अजीब किस्म की उंगलियों के निशान है, मैग्नीफाइंग ग्लास दिखे थे। अंगूठी में से और एक अंगूठा निकला, मतलब ये हाथ 6 उंगलियों वाला।
कैसे हो गया? इसके हाथ में अपाची है सर। इसका मतलब है दया, खूनी के हाथ में 6 उंगलियां हैं। आप रेडी? क्या अलमारी में से चेक्स और एग्रीमेंट पेपर्स मिले सर? चेक्स? आकृति कला निकेतन, ये जितेंद्र आकृति कला निकेतन में नौकरी करता था। आकृति कला निकेतन? हाँ अभिजीत, कुछ समझ में आ रहा? सर अब देखने में तो ये आम पेंटिंग की तरह ही लग रही है। अब इसके पीछे कोई आर्टिस्टिक मतलब हो वो तो समझ में नहीं आ रहा सर। भेज दो सालुंखे के पास फोरेंसिक में और उससे कहो कि किसी आर्ट एक्सपर्ट को बुलाकर दिखा दे पेंटिंग, वो बता दे, है ना? वैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सर, यहाँ AKN। कहाँ पर? ये देखिए सर, ये आकृति कला निकेतन। आकृति कला निकेतन? अभिजीत, ये नाम जितेन के घर से जो हमें चेक्स और वो पेपर मिला उन सब पर लिखा हुआ है, आकृति कला निकेतन। सर हो सकता है उसने ये पेंटिंग आकृति कला निकेतन के लिए बनाई हो। सर एक काम करते हैं, इस लड़की को, ये वंशिता को आकृति कला निकेतन लेके चलते हैं, इसके सामने ही पूछताछ करते हैं। हाँ अभिजीत, क्योंकि जब ये जितेन ये पेंटिंग बना रहा होगा तब ये लड़की वंशिता उसके सामने बैठी होगी, तो इसका मतलब है आकृति कला निकेतन वाले इसे पहचान लेंगे। ध्यान से देखिए इस जगह को और बताइए कि आप यहाँ पे आई हैं। जी नहीं सर, मैं तो यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। बोलिए सर, आप लोगों को पेंटिंग बनवानी है या खरीदनी है? देखिए, ना तो हमें पेंटिंग बनवानी है और ना ही खरीदनी। तो फिर सर? हम लोग CID से कुछ पूछताछ करनी है। क्या CID? आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये तो जितेन है। ध्यान से देखिए इसे, जितेन ने इस लड़की की पेंटिंग बनाई थी, पहचानते हो इसे? नहीं सर। हो सकता है इसने आपके लिए कभी मॉडलिंग की? नहीं साहब, 2 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए और मेरे सामने कभी ये लड़की नहीं आई। और जितेन ने जो अपनी लास्ट पेंटिंग बनाई थी वो तो दूसरी लड़की थी सर। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये रहा पेंटिंग का स्केच। ये क्या चक्कर है, स्केच में लड़की अलग है? अच्छा ये बताओ कि ये लड़की कौन है? सर इसका नाम माया है और ये हमारे लिए मॉडलिंग करती है। इसका मतलब जब जीतेन ये पेंटिंग बना रहा था उसी वक्त उसे कुछ हो गया और इस लड़की के चेहरे की जगह उसने वंशिता का चेहरा लगाया। हाँ, और बिना वंशिता को देखे तो चेहरा नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं तो उसने जरूर वंशिता को देखा। लेकिन वंशिता का ही चेहरा क्यों? 5 तारीख को तुम्हारी यहाँ से ग्रोसरी स्टोर में माल गया था। हाँ हाँ सर, हर महीने 5 तारीख को हम माल भेजा देते हैं इस स्टोर में। जो तुम्हारे लोग ये माल छोड़ने गए थे उन सबको बुलाओ जल्दी। बात क्या है सर, मुझे तो बताइए। जो लोग माल छोड़ने गए थे ग्रोसरी शॉप में 5 तारीख को, उनमें से किसी ने ग्रोसरी शॉप में काम करने वाली एक लड़की वंशिता का फोटो खींचा चुपके से। चुपके से फोटो खींचा? वो भी लड़की का? हाँ लड़की का फोटो। उस फोटो को लेकर और भी बहुत कुछ हुआ है आगे। कौन है वो जिसने फोटो खींचा था, जरा बोला। सर उन्हें तो काम से निकाल दिया गया है। इतनी जल्दी उन दोनों को काम से निकाल भी दिया? कुछ गड़बड़ है सर। क्यों निकाल दिया उन दोनों को? कहीं तुम भी तो फंसे नहीं हो इस फोटो के चक्कर में? मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो फोटो किसने खींचे। वो दो लड़के चाय के डिब्बे ब्लैक में बेचा करते थे, हमारे मार्केटिंग मैनेजर पलाश ने पकड़ा उन्हें और फौरन निकाल दिया। है क्या तुम्हारे ये मार्केटिंग मैनेजर पलाश, जरा बुलाओ। हाँ सर बुलाता हूँ। हेलो पलाश को भेजो अंदर। सर हम कोई भी गलत आदमी को एक मिनट भी नहीं रखते। अभी पता चल जाएगा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, CID वाले पूछताछ करने आए थे। मुझसे मिलना
क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे? ठीक तो? ए? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या? ये तो वही है। क्यों नहीं हुआ? कैसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए। सर हाँ भाई साहब, पेंटिंग तो मैंने बहुत देखी, लेकिन ये पेंटिंग कुछ अलग है। पता है इसकी वजह से एक आदमी का खून हो गया और दूसरे आदमी पर हमला हुआ। यार मुझे ना इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। तुम देखो, तुम्हें कुछ दिखाई देता है? यार सारूंग ने कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पेंटिंग के नीचे कुछ और भी छुपा है इस कपड़े पे? हाँ देखा, एसीपी साहब भी वही बात कर रहे हैं बॉस। क्या छुपा है ये तो बाद में पता चलेगा, जब हम ऊपर वाली पेंटिंग को निकालेंगे। तो निकाल नहीं सकते? अब ये वाटर कलर है, एक बार चिपक गया तो चिपक गया, क्या जब तक तीन चार बार धोएंगे नहीं तब तक नीचे नजर नहीं आएगा क्या है? यार इसके लिए मैं हूं ना, मेरे पास है एक चीज। चलो, और वैसे भी वाटर कलर होता क्या है बॉस? वाटर कलर एक किस्म का केमिकल ही तो होता है ना। एक केमिकल को हम दूसरे केमिकल से काट के देख लेते। ये तो किसी जगह का नक्शा है। हाँ सर, एरिया का नाम लिखा हुआ है, विजयनगर कौंडीबट्टी चौक तीन हाथ नाका। ये नक्शा आयल पेंट से बना हुआ है ताकि अगर कोई ऊपर की पेंटिंग को टच करे तो नक्शे को किसी तरह का नुकसान ना हो। सर इस नक्शे में कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ है। सर सर, जो उंगलियों के निशान आप लोगों को जीतेन के घर से मिले वो पलाश के ही है। पलाश के? वो उंगलियों के निशान पलाश के हैं, छह उंगलियों वाला पलाश। तो पलाश से ही पता चल सकता है कि चक्कर क्या है इस नक्शे का। हाँ भैया बिल्कुल। अबे कैसा है पलाश? अच्छा, पलाश को जहर दिया गया था। एक काम करो, पलाश के ऑफिस में जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो, ढूंढो जहर देने वाला वहीं पर मिलेगा। सर ये पलाश की सेक्रेटरी मरिया और उनका ड्राइवर हरी। सर मैं इन्हें बता रही थी कि पलाश सर ने ऑफिस में कुछ भी नहीं खाया था, इनफैक्ट वो खाना खाने के लिए बाहर गए थे सर। लंच करने के लिए बाहर गए थे? हाँ सर। कौन गया था उनके साथ? तुम गए थे? हाँ सर, लेकर तो साहब को मैं ही गया था, लेकिन सर ने वहां भी लंच नहीं लिया था। हाँ सिर्फ एक दोस्त से मिले थे मॉल के बाहर। दोस्त से मिले? किससे किससे मिले थे? उसका नाम वाम मालूम है? सर नाम तो नहीं मालूम है। मॉल कौन सा था? सर वही मॉल जो जो मीमोसा टावर के पास है। मीमोसा? जरा ये देखो, ये आदमी था वो? हाँ सर हाँ, यही तो था वो आदमी। यही आदमी था? हाँ सर। अभिजीत ये चक्कर क्या है? पलाश अभिनव से मिलने गया था, जबकि पलाश ने धमकी दी थी अभिनव को। वही तो, ये कुछ तो गड़बड़ है, अभिनव कुछ तो अपने पेट में छुपा के बैठा है। तो टेलीफोन एक्सचेंज से खबर मिली है कि जिस नंबर से अभिनव को धमकी दी गई थी वो एक कार के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री का है, कोरेगांव, जो बंद पड़ी। बंद पड़ी? अभिनव को बंद फैक्ट्री में से फोन आया था? Thank you.
अगर इस जगह की ठीक तरह से रखवाली नहीं की गई तो गुंडे मवाली यहाँ पे घुस सकते हैं। वही तो, ऐसी जगह पे कोई आम आदमी कैसे घुस सकता है सर? बहुत डरावनी जगह है। डरपोक आदमी के लिए तो कोई भी जगह डरावनी हो सकती है। आप लोग मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे? अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप तो न जाने कब से बंद पड़ी है ये फैक्ट्री। सर ऐसी जगहों पे तो रेडी, एक बार भी आत्मा का नाम मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। सर मैं कोई आत्मा वात्मा के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि ऐसी बंद फैक्ट्री में से किसी ने फोन कैसे किया होगा सर? ऐसी जगह पे कोई फोन चालू कैसे रह सकता है सर? क्या पता फ्रेडी, कोई फोन चल ही रहा हो। अरे फोन तो है यहाँ पे फ्रेडी। हाँ सर। अब देखना है कि यहाँ से फोन किया गया है कि नहीं। देखता हूँ सर फोन चल रहा है कि नहीं। अभिनव का निशान, यहाँ से किसी ने अभिनव को धमकी दी। लेकिन सर यहाँ से फोन क्यों किया सर? क्योंकि फोन करने वालों को मालूम होगा ये फैक्ट्री तो बंद है मगर फोन चालू है। फोन चालू है कि बंद है ये बात तो सिर्फ फैक्ट्री के मालिक को मालूम होगी सर, उसी ने धमकी दी होगी। मगर यहाँ पे आके धमकी देता है यहाँ पे? जरा चेक करो आसपास। क्या मिला सर? चाय की पत्ती रखी हुई है। चाय की पत्ती? हाँ देखो जरा। ये क्या है? माय गॉड, ये तो ड्रग्स है। बंद फैक्ट्री में ड्रग्स का धंधा चल रहा था सर? फैक्ट्री तो नाम के लिए बंद है फ्रेडी, असल में कारोबार चालू है। और ये फैक्ट्री में आग भी इसीलिए लगाई गई होगी ताकि किसी को शक ना हो। हाँ सर, और बाकी का धंधा उस ग्रोसरी स्टोर से चल रहा था। हाँ सचिन, क्या फैक्ट्री के मालिक का नाम ठीक तरीके से पता किया है ना? ओके, ये क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? इस फैक्ट्री का मालिक अभिनव है। क्या अभिनव? हाँ, फैक्ट्री का मालिक भी अभिनव है और वो पेंटिंग भी इसी के पास है। आसपास पूछताछ करो अभिजीत, किसी को तो पता के गया ही होगा। क्या नौकर को भी मालूम नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये अभिनव ऐसे कैसे गायब हो सकता है अभिजीत? नहीं 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 नहीं, ढूंढो उसे, ढूंढो। हाँ, ये पहले से शक था सर इस अभिनव पे, और मैं गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए अपने फैक्ट्री में आग लगवा दी ताकि हमें उस पर शक ना हो। सलूंखे, ड्रग्स के बारे में क्या बता सर? सर ये ड्रग लमाइन नाम के केमिकल को मिला के बनाया गया है जो सीधा आदमी के नर्वस सिस्टम पर असर करता है। सर उस पेंटिंग में जो नक्शा था उसमें जो जगह दिखाया गया था शायद उन जगहों पे ये लोग इस ड्रग्स को बेचते होंगे। हाँ दया, एक दूसरे को जगह बताने के लिए उस नक्शे का इस्तेमाल करते हैं ये लोग ताकि किसी को पता भी ना चले और काम भी हो जाए। सर इस पूरे नक्शे में सिर्फ ये जगह सही है सर, ये वाली जहाँ पे ये मॉल बना हुआ है और साथ में ये पार्किंग लॉट, बाकी सब गलत है। हाँ दया, जिसने भी ये नक्शा बनाया उसने सोचा होगा कि अगर ये नक्शा किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारा चक्कर है क्या। से जरूर कोई बहुत बड़ी चीज छिपाई है। जगह है कहां पर? है कहां पर ये?
सर ये वेस्ट 0.28 डिग्री, नॉर्थ 0.24 डिग्री और ईस्ट 0.42 डिग्री पे है सर। सर ये जू का मॉल है सर। क्या इस मॉल के साथ उसका पार्किंग लॉट भी दिखाया है? लगता है इस पार्किंग लॉट में कोई तो राज है। सर ये वंशिता भी तो इसी मॉल में काम करती। सर किसी ने जितेन से वंशिता की ये पेंटिंग बनवाई है इस नक्शे के ऊपर और उसके बाद जितेन का खून कर दिया और ये पेंटिंग हमें ये पेंटिंग अभिनव के यहाँ से मिलती है सर और अभिनव गायब है। ये अभिनव का कोई चक्कर लगता है सर? नहीं दया, मुझे नहीं लगता ये अभिनव का कोई चक्कर है, क्योंकि अगर ऐसे होता तो सारे ड्रग्स अभिनव अपनी फैक्ट्री में क्यों छुपाता? और तो और वो धमकी भरे फोन वो उसी की फैक्ट्री में से क्यों आते? अभिनव इतना बेवकूफ तो नहीं कि वो अपने आप को ही फंसा दे? नहीं दया, ये कोई और ही है, ये कोई और है जो अभिनव के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। काम करो दया, इस मॉल के पार्किंग लॉट में जाओ तो देखो वहीं पे कुछ तो मिलेगा। सर हम लोग के रहते यहां कोई कुछ नहीं छिपा सकता है। जब तक तुमसे कुछ पूछा ना जाए अपना मुंह बंद रखो, समझे? ऐसा तो नहीं कि किसी गाड़ी के टिक्की में छुपा के रखा हो? तो किसी ऐसी जगह पे छुपाया होगा जहां से वो दो दिन के बाद भी आसानी से ले जा सके। गाड़ियां तो यहां से हर रोज निकलती होगी। ये क्या? सीमेंट की बोरी है शायद इसमें। इसमें क्या होगा सर, ये तो 5 दिन से ऐसे ही पड़ी है। तो खोल के देखो। चाय की पत्ती अपनों की फैक्ट्री से भी मिली थी। सीमेंट की बोरियों में चाय के पत्ते? जरा खोलो से। इसे कहते हैं ऊपर वाले का करिश्मा। सीमेंट के बोरे में ड्रग्स छुपा के रखा है। तो सर ये ड्रग्स तो करोड़ों के थे। हाँ करोड़ों के है सचिन। जितेन ने इस लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश की मगर सही आदमी को बता नहीं सका, नहीं तो ये ड्रग्स आज हमारे हाथ में नहीं होती। आओ विवेक। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो गाड़ी अभिनव की है? हाँ सर, कार भी और कार के अंदर अभिनव भी है सर, एकदम बेहोशी की हालत में है सर। जी सर, ठीक है सर। काजल पहले अभिनव को हॉस्पिटल ले चलते हैं, कार का बाद में देख लेंगे। या काफी खून बह चुका है। ये देखो विवेक, इसके कंधे पर चाकू से वार किया गया। हमला करने वाले ने सोचा होगा कि ये मर चुका है इसलिए छोड़ के भाग गया। वो तो ऊपर वाले ने इसे बचाना था,
इसलिए ठीक वक्त पर हम लोग आ गए, वरना दो चार घंटों में तो मौत हो चुकी होती इसकी। काजल, ऐसी रस्सी दुकान में सामान के पैकिंग में काम आती है ना? हाँ, ये देखो क्या लिखा हुआ इसमें, फाइव स्टार ग्रोसरीज। ये तो वही जगह जहाँ पर वंशिता काम करती। हमें देखकर इतना घबरा क्यों रही है? घबरा कर रही हूँ सर, अभिनव के बारे में कुछ पता चला? मतलब अभिनव गायब है क्या? हाँ सर, वो गायब हो गया था ना। अभिनव गायब, हमें तो पता ही नहीं। सर पता तो मुझे भी नहीं था, वो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे कैसे पूछ लिया तुमने, जब तुम्हें मालूम ही नहीं? सर वो मैंने सुना था। किससे, किससे सुना? सर मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं यहाँ पे कोई बात कर रहा था तो मैंने बस ऐसे सुन लिया। यहाँ पे कौन बात कर रहा था अभिनव के बारे? सर मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिनव को तुमने ही गायब किया इसलिए तुम्हें पता है? मैंने, हाँ तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से अभिनव से पीछा छुड़ा लो? छोड़ दो उसे। खबरदार, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की नहीं तो मैं इस लड़की की जान ले लूंगी। देखो छोड़ दो उसे, वरना मैं गोली चला दूंगा। पहले मुझे यहां से जाने दो, फिर मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी। ठीक है, ठीक है, मुझे कुछ मत कर। बच्चे जाने दो उसे। सीआईडी से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तुम क्या चीज हो? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगी। माफ करने जैसा काम ही नहीं किया तुमने, जहर भी खाया तुमने, जहर। मैं अमीर बनने के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे लगा कि मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करके कभी अमीर नहीं बन पाऊंगी, इसलिए अपना गैंग बना लिया और फिर शुरू कर दिया ड्रग्स की मिलावट करना। हाँ, मैं अपनी गैंग की लीडर थी और मेरे आदमी माल सप्लाई करने से पहले मुझसे पूछते थे। जिस जगह पर ड्रग्स का माल पहुंचाना होता था उस जगह का पता लिख के आता था नक्शे पर। हाँ, और एक बार तो हम पकड़े भी गए थे, इसलिए हमने मिलना बंद कर दिया था, सिर्फ फोन पे बातचीत करते थे। और ये नक्शे जितेन बनाता था? जी हाँ। तो जितेन को क्यों मारा? जितेन, उसका दिन पे दिन लालच बढ़ता जा रहा था, वो हमें धमकियां देता था। धमकियां? क्या क्या धमकी देता था? उसने मेरी पेंटिंग बनाई थी एक नक्शे के ऊपर, बेवकूफ, मुझे फंसाना चाहता था वो। और ये अभिनव, ये बीच में कहां से आ गया? वो तो ऐसे ही बीच में आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे ही फंसा दूं। तो सारे ड्रग्स उसकी फैक्ट्री में छुपा दी। हाँ, ड्रग्स बेचकर अमीर बनना चाहती थी तुम, तुम्हारे अमीर बनने की इस लालच ने तीन तीन लोगों की जाने ली, पर न जाने कितने हजारों लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी ड्रग्स की लत लगाकर। कोर्ट शायद तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें फांसी की सजा ना दे, पर तुम्हें आजीवन कारावास तो होकर ही रहे।